इसमें हमने इसमें एक बार बत्रा जी को बिठाएंगे। अब भाई एक बार बैठो मैं पेन का देखियो। अच्छा एक वो लहर सी तो काट के दिखा दो तुम। अरे जैसे तुम निकल लग रहो। कहावत वही है, ऊंची दुकान फीका फीका है ही नहीं मकवान तो। इनकी जो जान पहचान है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखो इसीलिए मैं बिल्कुल सेपरेट खाली जहाँ मिल गया। सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आज है नया साल, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम चल दिए हैं भैया, वैसे तो सुबह समय बहुत ज्यादा हो रही ठंड आज के दिन, तो सुबह से तो भैया रिजाई में पड़े थे अपनी आराम से, और सोचा भाई अब जा आप सबको शहर घुमा दिया जा। तो अभी जो अपना मॉल पड़ता है शहर में उसे दिखाते हैं आपको, नई मंडी में घुमाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है आज का। जैसे कि नया साल है तो भैया कुछ तो नया होना चाहिए शहर में, तो वही दिखाने के लिए जा रही हैं भैया आपको, ग्रैंड प्लाजा मॉल घुमाते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ हैं हमारे मिस्टर बत्रा, इनको तो सब जानते हैं भाई। तो बत्रा जी कैसे हो तुम? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? कैसा रहा आपका नया साल? वेल। सुबह से क्या क्या करा बता दो। सुबह से बस ठंडी थी और रजाई में पड़े रहे, निकलने का मन नहीं। अजी हाँ, तो यार वैसे तो अपने शहर में हमने मोस्ट ऑफ जो प्लेस है इधर उधर दिखाने के, घूमने फिरने के, वो तो यार सारे मैंने दिखा दिए, पर फिर भी जैसे आज नया साल है तो मोहल्ले में जो है वो चहल पहल रहती है हमारे यहाँ से। सौरभ हमारा भाई आ गया। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? देखो भाई, ये हमारे शहर का एक इकलौता मॉल है और इसमें वैसे तो कुछ नहीं मिलता, जैसे सर वैसे रैंडमली आ जाओ कुछ नहीं मिलता यहाँ से। आज यहाँ से रोना खा रही लो, देख लो नीचे भी फुल भीड़ है, फुल लो देख लो। आयो यो यो अभी लगा गया यहाँ से, पहले तो उधर रहा था यो। लो भैया देख लो मामला चल रहा सेट। लिफ्ट भी बंद कर रखी है आज तो, लिफ्ट भी बंद, सब चीज बंद। लो भाई ये देख लो सामने, ये चल रहे बच्चों के गेम इधर। ये रहा यहाँ पे, कितने साल हो लिए वैसे तो इसे खुले हुए? बत्रा जी कपड़े पहन के देख लियो एक अद्धा, कौन सा पहनोगे? अग्गे को अब करो। अच्छा एक वो लहर सी तो काट के दिखा दो तुम। अरे जैसे तुम निकल लग रहो। अपने लिए तो देख लो कुछ परस ले। पूछ तो रहे नहीं तुम किसी से, खाली फिर रहे। वो है कहाँ भाई बताने वाला, उससे पूछो। वो बिक्री वहाँ है। क्या मिले? यो बनियान। चुप हो जाओ तुम तो, एकदम चुप हो जाओ। क्या बात होगी, डर हो गया तुम? डर ना करो, डर रहे तुम्हें कोई खान थोड़े आ जाएगा, कह देख रहे जो कहना लीक हो जा। रामदेव वाली चाय, ये तो नमकीन चाय तो है, पर वो लेनी ना रामदेव वाली। मेरे पापा ने कहा रामदेव वाली चाय भी मिलेगी जी हाँ। इतने बड़े इसमें क्या बोल रहे हैं, मार्केट में वो नहीं मिले ना रामदेव की चाय। देखो कहावत वही है, ऊंची दुकान फीका फीका है ही नहीं मकवान तो, फीका तो जब भी होगा आज रामदेव की चाय नहीं मिली भाई। बत्रा जी ले लो तुम, ठंडा है तो ठंडा बता रहे, रात को गर्मी का एहसास करा भी बोल नहीं रहा स्पीकर में कि से पैरी है, रात को गर्मी का एहसास होगा। ले लो एक, क्यों? अरे बढ़िया आ गया, तो क्या बात कर रहे तुम, गर्मी का एहसास नहीं लेना क्या तुम्हें चड्डे में? पहन के देखियो। वो
तो भाई ये जो ये है सांड सा, इसमें हमने इसमें एक बार बत्रा जी को बिठाएंगे। अब भाई एक बार बैठो, मैं अब ले लो घूम गया, घुमा दो इसे भाई, घुमा के दिखाई एक बार। चलो भैया पहले मैं घूम रहा भाई, इसमें देखेंगे इसमें क्या हो गया, गिर हो गया इसमें से, कौन जल्दी गिर जा, अगर गिर गया तो बंद कर दे भाई। चलो पहले तुम चलो बत्रा जी, चलो जल्दी चलो, बैठो भाई बत्रा जी, बैठो, अरे उछल के बैठो इसमें। अरे बैठो यार, या बैठो बत्रा जी, ये चलो कितने बार देना चाहती है भाई, कितने चांस मिले तुम्हें, बस एक ही भाई, यार ऐसा ना करो ये भाई, मेरी बारी आ गई है, मैं जा रहा हूँ। चलो भाई मेरे बोलो गाड़ी की चप्पी, ये अरुण भाई जाते हुए सांड के ऊपर, ये अरुण भाई लुढ़क चुके हैं नीचे, चक्कर आ गए थे उसमें ना बैठे कोई भी, अरे हम आगे लग सके उसमें, देखो देखो तो बड़ा, ये देखो देखो तो भैया मॉल में जो जो भी था और जो माहौल यहाँ था वो मैंने आपको दिखा दिया, और अब चलते हैं नई मंडी में, अब तुम्हें नई मंडी दिखाते हैं। भैया मॉल में कुछ भी नहीं है, नहीं भैया नहीं आ रहा यहाँ से, भीड़ हो रही, भीड़ और कुछ नहीं है यहाँ से, नई मंडी घुमाते हैं अभी दुकान चले गए भाई, मॉल से तो निकल लिया भैया बाहर, बाहर तो बहुत तगड़ा ठंड है भाई, अंदर तो बढ़िया माहौल हो रहा था, और बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है आज, नहीं निकला निकलने वाले, बाहर से भी दिखा देता हूँ मैं, रुक जाओ। अच्छा लोगों ने क्या हिसाब बना दिया मॉल का, कैसा मॉल था, क्या कर दिया मॉल का माहौल जो है बहुत खराब हो चुका है। हाँ मतलब कि यार ऐसे लड़क, मतलब कि सेफ सा नहीं लगता यार, बस घूम के मतलब सेफ वाली फीलिंग नहीं आती जैसे कि आनी चाहिए, मतलब है मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, मतलब अच्छा नहीं है यार, मतलब माहौल जो है ऐसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए, वो कि मॉल में भाई घूम ले नहीं रहा यार अजी, मतलब बेकार हो कर दिया, लड़के इस तरह बदतमीजी है, हुल्ला गंदगी कोई कुछ गे रखा, थूक रहे वहीं सी, बेकार कर दिया यार, यो कि मतलब बहुत गलत बात है ये, अपने शहर में एक मॉल है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, पर नहीं नहीं कोई वहां से मतलब कि थूक रहा पुड़िया खा के और बदतमीजी कर रहे, रुक के तार रहे, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज। एक और बिंदल बाजार दिखा देते हैं तुम्हें, जो कि मेन ही है एक तरीके से बस, और वो दिखा के फिर चलते हैं, कुछ खाएंगे, डोसा खाएंगे यार, डोसा खाने का मन है, फिर घर जाके तकड़ी सी चीज बना रखी होगी कुछ, आज तो नया साल है जैसे, तो फिर घर जाके खाएंगे खाना, तो बाकी डोसा वोसा खा के चलते हैं घर पे। ठीक है ब्रो, गाड़ी कहाँ लगाऊं बत्रा जी, नु बताओ तुम, आते अपने शहर है सारा। तो मैंने सोचा था कुछ खास या कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, सजावट डेकोरेशन हो रही होगी वो दिखा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी चलते हैं सीधा टोनाल पे चाट बाजार, और वहां पे खाते हैं चल के डोसा साउथ इंडियन वाले के, दारू वारू नहीं पीनी चाहिए, बेकार है भाई, हम तो खिलाफ है इन चीजों के भाई, बहुत हम तो बहुत शरीफ बच्चे हैं, मतलब पानी पीने वाले आदमी भाई, ग्रैंड प्लाजा से जाते थे यहाँ बैठे भीड़
लो भाई ये देखो क्या भीड़ हो रही है। अभी हम यहाँ पे रोडवेज पाए थे, एक रेस्टोरेंट है इंडियन रेस्टोरेंट भाई, यहाँ भीड़ हो रही जबरदस्त। तो हमने क्या करा, हमने दिमाग चलाया, हमने स्विगी से ऑर्डर मार दिया यहीं खड़े होके। स्विगी दिखा रहा 15 मिनट में, यही की लोकेशन डाली ना हमने, 15 मिनट में हमारे पास आ जाएगा हमारा डोसा, तो यही बैठ के खाएंगे। और बत्रा जी की जान पहचान है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ से बत्रा जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट व्लेट में लगा के देगा बढ़िया। तो मैंने कहा तो इससे बढ़िया कहे देखो ये बैठे ये यहीं लगा दिया हमने, ये लो और यहीं से मार दिया ऑर्डर। अब राइडर यहीं आवेगा लेके, तो राइडर से यहीं लेकर यहीं खावेगा अपनी गाड़ी में बैठ के। आज उसे क्या कमाल देखो तो, दिमाग कितना तकड़ा, हमने तो अपना ऑर्डर मारा और यहाँ बैठ के आगे मुझे राइटर यही लेके आया ऑर्डर। क्यों भैया? सही बात है भाई, बत्रा जी हमारे जो है ये स्विगी ऑपरेट करते हैं मुजफ्फरनगर में, तो इनकी जो जान पहचान है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं बिल्कुल सेपरेट खाली जगह मिल गया बैठने के लिए। और अभी डोसा आने वाला है भाई, देखो राइडर आया नहीं तो हमारे डोसे आ गए पहले ही। जब राइडर आएगा मुझे राइडर को पैसे देने, डोसे तो हम खा चुके होंगे जब तक राइडर आएगा, और राइडर आया भी नहीं। चलो भाई खा के मिलते हैं आप तुमसे। फाइनली हमारे बत्रा जी की जो ट्रिक थी वो कामयाब रही, और भाई हमने डोसा खा लिया अंदर बैठ के। ठीक है यार, भीड़ भी नहीं मिली यार, बहुत जल्दी खा लिया, हम चलते हैं घर। क्यों बत्रा जी ये बत्रा जी एक बार लहर तो काट के दिखा दो लहर क्या कह रहे तो क्या हो गया, अरे लहर काट दो। तो यार फाइनली आ गया था घर पे, और तो तुम्हें देख ही लिया भाई जो मैं मतलब हमने मेन तो यही सोचा था कि भैया अपना मॉल में चले जाएंगे और मॉल में दिखा दें। मॉल में तो देख ही लिया तुमने, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे तो वहाँ पे सुनसान रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती अगर वैसे नॉर्मल डेज में जाए। जैसे आज न्यू ईयर था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी हर जगह पूरे शहर में, और तुम्हारे वहाँ पे चाट बाजार में तुमने देखा भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्या, वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भैया हमारे घर पर बना है भाई आज मटर पनीर, और ये बना है नान, मेरी बहन ने बना रखे हैं भाई नान। तो यार इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको कर दीजिए लाइक, और ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दो, दब जाना चाहिए भाई ये, दबा दो बस इसे। और मिलते हैं एक सीधा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। एक बार सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलो मिलते हैं फिर।